सो हाय फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। सो द टाइम इनवेरिएंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हिच मेक्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब कि टाइम इनवेरिएंस वो प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो कि जो बिहेवियर है सिस्टम का, जैसे इनपुट आउटपुट, वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो। मीन्स किसी भी टाइम में कोई फर्क ना पड़े, मीन्स समय के साथ वो बदलता ना रहे, वो टाइम उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। ओके, दिस मीन्स दैट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एट विच द इनपुट अप्लाइड। मतलब कि जब हम इनपुट अप्लाइड होते हैं तो ये सिस्टम का बिहेवियर टाइम में डिपेंड ना करे। ओके, अ सिस्टम इज सेट टू बी टाइम इनवेरिएंट इफ इट्स इनपुट आउटपुट कैरेक्टर्स डू नॉट चेंज विद टाइम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम जो है उसे टाइम इनवेरिएंट तब कहेंगे जब उसका इनपुट आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो टाइम के साथ चेंज ना हो। मीन्स अगर हमारे पास इनपुट एक्स टी है और आउटपुट वाई टी है, तो कुछ टाइम बाद अगर एक्स टी माइनस टी हो अगर इनपुट, तो आउटपुट वाई टी माइनस टी हो। मतलब कि हम यहाँ ये जरूरी है टाइम इनवेरिएंट में कि अगर आपका एक्स जीरो हो इनपुट, तो आउटपुट वाई जीरो होना चाहिए। अगर इनपुट एक्स वन है तो आउटपुट भी वाई वन है। अगर इनपुट एक्स टेन है तो आउटपुट भी वाई टेन ही होगा। ओके, मीन्स ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ वही इक्वेशन पे डिपेंड करना चाहिए, वो टाइम के साथ वो इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। और अधिक समझने के लिए हम एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एक बार टाइम वेरिएंट भी पढ़ लेते हैं कि टाइम वेरिएंट क्या है। तो टाइम वेरिएंट का डिफिनेशन क्या है? अ सिस्टम नॉट सेटिस्फाइंग द अबव रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट सिस्टम। मतलब कि टाइम इनवेरिएंट को अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता कोई सिस्टम, तो वो टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है। चलिए एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ये Determine whether the following systems are time invariant or not. Okay? एक मिनट। हाँ, सो ये आपका क्वेश्चन है। ए, y of t is equals to t square x of t. ये आपका इक्वेशन है, ठीक? y of t is equals to t square x of t. तो यहाँ हम दो बार चेक करते हैं। पहला, the output due to input delayed by t second. ठीक? अगर हमने इनपुट को डिले किया, यानी हम लोग आउटपुट देखेंगे ये y ऑफ t t, अगर हम इनपुट को t सेकंड के लिए डिले करें तब देखेंगे क्या होगा। तो ये देखिए, इनपुट को t सेकंड के लिए डिले करना है, मतलब कि जहां इनपुट में t है वहां t माइनस कैपिटल t कर दीजिए। कैपिटल t कोई भी आपका टाइम है। ओके, तो कैपिटल t इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये ना लिख के सिर्फ उसे डिले करना है। मतलब कि जो आपका आउटपुट है वो देख रहे हैं, आउटपुट टी कॉमा कैपिटल टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स, एक्स इनपुट है ना, तो एक्स के अंदर वाला जो टी है उसे टी माइनस टी डिले कर दिए हम लोग। ठीक, एक बार और अच्छे समझ लेते हैं कि इसमें पहले स्टेप में जो आपका इनपुट है उसे सिर्फ टी टाइम डिले करना है। फर्स्ट स्टेप में इनपुट को टी टाइम डिले करना है। ओके, और फिर आउटपुट देखना है, द आउटपुट ड्यू टू इनपुट डिले बाय टी सेकंड। तो ये हो गया। ठीक, मान लीजिए कोई भी आउटपुट है जब हमने इनपुट को टी सेकंड डिले कर दिया, उसके बाद द आउटपुट डिलेड बाय कैपिटल टी सेकंड इज। हाँ, अब ये पहले स्टेप में जो इनपुट के अंदर जो आपको टी दिख रहा है टाइम, उसे डिले करना है, और दूसरे स्टेप में जितने भी टाइम दिख रहे हैं उसे टी से डिले कर देना है। ओके, तो जब ये डिले हुआ तो ये देखिए, हमने पहले स्टेप में सिर्फ ये जो एक्स था यानी जो इनपुट का टी था हमने उसे डिले किया था, और सेकेंड स्टेप में जो जितने भी हमारे पास टी दिखे, जैसे मान लीजिए ये टी दिखा है ना, तो इसे भी हमने टी कैपिटल टी टाइम डिले कर दिया। और जब हमने इसे कैपिटल टी टाइम डिले कर दिया तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। ओके, अगर आपकी, तो आई थिंक ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, और अगर नहीं समझ में आएगा तो और भी आगे स्टेप्स जो हैं, यानी और भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें बता दूंगा, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका ये वन इक्वेशन, इक्वेशन वन जो हमने ये सिर्फ इनपुट का टाइम डिले किया था, और इक्वेशन टू जिसमें हमने जितने भी टाइम थे उसे कैपिटल टी टाइम डिले कर दिया, अगर ये दोनों आपके इक्वल हैं तो ये कहला जाएंगे आपके टाइम इनवेरिएंट। अगर ये दोनों इक्वल हैं वन और टू तो ये कहला जाएंगे टाइम इनवेरिएंट, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये कहला जाएंगे टाइम वेरिएंट।
तो देखिए पहला और दूसरा इक्वल है क्या, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, ये आउटपुट नहीं देखना, सिर्फ ये आपको इस साइड देखना है, इनपुट आरएचएस साइड, राइट हैंड साइड। तो ये देखिए इनपुट साइड, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल है क्या, ये x ऑफ t माइनस t, हाँ x ऑफ t माइनस t इस साइड तो इक्वल है, लेकिन t स्क्वायर जो है वो यहाँ पास t माइनस कैपिटल t स्क्वायर, मीन्स ये इक्वेशन पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन इक्वल नहीं है, और चूंकि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन इक्वल नहीं है, देन दिस सिस्टम इज टाइम वेरियंट। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा इक्वेशन इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो टाइम इनवेरियंट होता, लेकिन ये टाइम वेरियंट है, क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, y of t is equals to x of t sin 10 pi t, ओके? तो वही सिंपल मेथड, पहले फर्स्ट स्टेप में ये सिर्फ आपके जो इनपुट है ना, इनपुट के अंदर वाला टाइम को डिले करना है, t टाइम। तो पहले स्टेप में हमने इनपुट के अंदर वाला टाइम को डिले किया, और जो इनपुट के बाहर जो sin 10 pi था, ये टी था, इसे हमने कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ पहले स्टेप में इनपुट के टाइम को डिले करना था, तो हमने पहले स्टेप में इनपुट का टाइम डिले कर दिया। अब दूसरे स्टेप में जितने भी टी हैं यहाँ पास इस साइड दिख रहे हैं, उसमें कैपिटल टी टाइम डिले करना है, तो जब हमने ये कैपिटल टी टाइम जितने भी दिख रहे हैं उसमें डिले किया, तो एक्स ऑफ कैपिटल स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी साइन 10 पाई स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी, हमने जब ये डिले किया तो क्या ये दोनों इक्वेशन इक्वल है? देखिए ये इनपुट वाला तो इक्वल है, लेकिन साइन पाई टी ये सिर्फ यहाँ पास एक छोटा टी है, और यहाँ टी माइनस ये डिले टाइम है, तो चूंकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है, देन फिर से ये क्या है, टाइम वेरिएंट। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाँ वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो पहला स्टेप जो इनपुट के अंदर है उसे टी टाइम डिले करना, तो हमने इनपुट के अंदर टी टाइम डिले किया, और दूसरा इक्वेट स्टेप जहाँ टी मिला उसे टी टाइम डिले करना, तो यहाँ हमने ये देखिए टी टाइम डिले किया। बस एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग, ये देखिए टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी है, ठीक, मीन्स इनपुट के अंदर टी टाइम डिले करना है, बस ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जहां टी मिले, टी में वहां कैपिटल टी टाइम डिले करना है, तो जहां टी मिला वहां कैपिटल टी टाइम डिले किया, मीन्स टी माइनस वन, टी माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर, ठीक, यहां पास यानी जैसे टी स्क्वायर सिर्फ माइनस टी लगाना था, लेकिन यहां सेकेंड इक्वेशन में जहां टी मिला वहां टी टाइम डिले करना था, जहां स्मॉल टी मिला वहां कैपिटल टाइम डिले करना था टी टाइम, तो हमने ये जैसे किया। ओके सो एक बार और ध्यान से, बस ये ध्यान से देख लीजिए, समझ, अगर ये आप समझ गए तो बहुत सारी चीज आप समझ जाएंगे, टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी, और दूसरे स्टेप में जो आपका ये टी है सिर्फ टी की जगह टी माइनस टी करना है, मीन्स दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में करते हैं टी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल टू टी माइनस कैपिटल टी। ओके दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं, तो हमने ये किया, अब ये देखिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन इक्वल है, देखिए इनपुट के अंदर ही देखिए नहीं है ना इक्वल, ये टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी है, और ये टी माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर, चूंकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है, देन अगेन दिस इज टाइम वेरियंट। ओके नाउ लेट अस गो इन द अनदर क्वेश्चन, y of t is equals to x of minus 2t, okay? तो पहला एक स्टेप क्या था, इनपुट को t टाइम डिले करना, और दूसरा जहां आपको t दिखे वहां t टाइम डिले करना, okay? तो जब हमने ये फर्स्ट स्टेप में ये किया t टाइम डिले, तो इक्वेशन कुछ ऐसा है, ये पहला इक्वेशन है, okay? ये क्या है, पहला इक्वेशन, ये जो है आपका, ये से पहला इक्वेशन है, इसी की तरह जब हमने जहां टी मिला, दूसरे स्टेप कहा था जहां टी मिले वहां टी टाइम डिले करना, मींस जहां टी मिला ये देखिए टी है ना,
वहां हमने टी टाइम डिले कर दिया, और फिर जब हम इसे सॉल्व किए तो कुछ इक्वेशन ऐसा बना जो कि इसके बराबर नहीं है, पहले इक्वेशन के बराबर। मीन्स यहाँ जो आपका दूसरा इक्वेशन है वो पहले इक्वेशन के बराबर नहीं है, और चूंकि पहले इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन बराबर नहीं है, देन दिस इज ऑल्सो टाइम वेरियंट। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इज इक्वल्स टू वाई ऑफ टी इज, हाँ वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टू एक्स टी। ये देखिए वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टू एक्स टी। तो अपना पहला स्टेप क्या रहता है कि इनपुट में ये देखिए इनपुट का ये है ना x, x ऑफ t, तो यहाँ पास जो आपका इनपुट है तो यहाँ t माइनस t कर दीजिए, कैपिटल T। तो पहला स्टेप हमने किया। दूसरा स्टेप का क्या है, जहां भी आपको t दिखे इस साइड राइट हैंड साइड, वहां आपको कैपिटल T से डिले करना है। तो यहाँ सिर्फ एक ही t है वो इसके अंदर, तो t माइनस कैपिटल T किए। लेकिन ये देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, और चूंकि ये इक्वल है देन ये क्या कहला जाएंगे, टाइम इनवेरिएंट। ओके, ये दोनों इक्वेशन इक्वल है इसलिए टाइम इनवेरिएंट, और इक्वल नहीं होते तो टाइम वेरिएंट, और चूंकि इक्वल है तो ये टाइम इनवेरिएंट। ओके, अब हमने तो ये अभी तक देखा कंटिन्यूअस टाइम मीन्स टी वाला, जहाँ टी फंक्शन हो। अब चलिए डिस्क्रीट टाइम मतलब एन वाला फंक्शन का देखते हैं। एन में भी सेम यही रूल है, बस जहां हम लोग यहाँ कैपिटल टी से डिले करते थे यहाँ हम के से डिले करेंगे। ओके, देखिए वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन बाई टू, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले स्टेप इनपुट में के टाइम डिले करना, तो हमने इनपुट में ये के टाइम डिले किया। ओके, और अपना दूसरा स्टेप क्या रहता है, जहां पास आपको टी दिखे वो कंटिन्यूअस में, और डिस्क्रीट में जहां पास आपको एन दिखे वहां से के टाइम डिले करना। तो ये हो जाएगा एन माइनस के अपॉन टू, ये देखिए ये हो गया ना एन माइनस के अपॉन टू, और ये है एन अपॉन टू माइनस के। ये देखिए आप दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल क्यों नहीं है, ये अगर आप इसे इसका जब एलसीएम लेके देखेंगे ना तो ये आ जाएगा एन माइनस टू के अपॉन टू, जो कि एन माइनस के अपॉन टू के इक्वल नहीं है, और चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है देन ये अगेन कहला जाएंगे टाइम वेरिएंट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस एन एक्स एन माइनस टू। ओके, ये जी में देखिए वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एन एक्स एन माइनस टू। तो पहला स्टेप क्या है कि इनपुट के अंदर आपको के टाइम डिले करना है, डिस्क्रीट टाइम के लिए के टाइम डिले के यूनिट डिले करना है। तो जब आपने के यूनिट यहाँ डिले किया तो ये x n माइनस के और यहाँ n माइनस टू माइनस के। ओके, सिर्फ इनपुट के अंदर। और दूसरा स्टेप क्या है कि जहाँ आपको n दिखे मीन्स ये जो क्वेश्चन है आपको जहाँ n दिखे वहाँ n माइनस के करना है। तो आपने जहाँ n देखा वहाँ n माइनस के किया यहाँ पास, ठीक। तो ये देखिए दोनों इक्वल लगभग है, ये इक्वल है ये इक्वल है, x n माइनस के माइनस टू, यहाँ पास भी x n माइनस के माइनस टू माइनस n जो भी है। लेकिन ये देखिए यहाँ n था ना और यहाँ n माइनस के, ये इसके कारण डिफरेंट हो गया दोनों इक्वेशन, और चूंकि दोनों इक्वेशन डिफरेंट हो गया देन दिस इज अगेन टाइम वेरियंट। सो कैसा लगा आपको लेक्चर, अगर आपको लेक्चर समझ में पूरा आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए पृथ्वी एकेडमी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।